तो अब मुझे पत्थरों को काबू करना सीखना है। अरे ये क्या हुआ? ये कृष्णा तो हर दिन पहले से भी शक्तिशाली होता जा रहा है। हर बार इसे पता चल जाता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। अब मुझे अपने पुरखों से काली शक्तियाँ फिर से हासिल करनी होगी। मैं कृष्णा को ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। कमालम कमालम चमत्कारम त्रिकालम। अरे वासुदि, तुमने तो बहुत जल्दी दरवाजा बना के लगा भी दिया। आज तो सुदि ने कमाल कर दिया। दरवाजा बन गया लेकिन देखा सुदि कितना समझदार है। अब घर के अंदर चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। दरवाजे की चाबी मुझे भी तो दिखाओ। काओ, 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 ये क्या किया तूने मुकाल? अरे तुझसे एक चाबी संभाली नहीं जाती। बच गई घंटी। ये कैसी जगह है, कहाँ फंस गए हम? यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो हमारा बचना मुश्किल है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मुझे दरवाजे तक पहुंचना ही होगा। दरवाजा तोड़ दो। इस दरवाजे को खोलने के लिए हमें एक चाबी चाहिए। हमें एक चाबी भी ढूंढनी होगी। बच गई घंटी। अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? रुको, मैं इन सब को एक एक करके तोड़ फोड़ देता हूँ। मैंने तो कमाल कर दिया। सबके ऊपर से निकल गया। Thank you.
किसना, तुमने तो सीढ़ियां बना दी। तेरा हर दांव किसना के लिए खेल है। को एक ऐसे चमत्कारी खेल में फंसाऊंगा कि जिंदगी भर वो उसी में उलझा रहेगा। चंपू, आज कोई नया खेल खेलने का मन कर रहा है, तो फिर चलो चलकर देखते हैं कोई नया खेल मिलता है क्या। चलो चलते हैं। ये देखो, शायद कोई ये खेल अधूरा छोड़कर चला गया है। तो अब हम इसे पूरा करते हैं। तुम डालो पासा। मैं क्यों डालूं? तुम डालो पासा। नहीं तुम। नहीं तुम। तुम 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 तुम। क्या हो रहा है? सुधी, तुम हमारे साथ ये खेल खेलोगे? हाँ। कहाँ चले गए ये दोनों? कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सुधी, सुधी कहाँ हो तुम? टोटो, टोटो। ये कैसा अनोखा खेल है? शायद टोटो और सुधी किसी वजह से इस खेल में फंस गए हैं। खेल के अंदर? तो अब क्या करें? टोटो और सुधी को बचाने के लिए हमें ये खेल खेलना होगा। राधिका और बल्लू। किसना, मुझे पता था तुम हमें बचाने जरूर आओगे। भूल भुलैया में तुम्हारा स्वागत है। कहाँ है हम? तुम सब एक ऐसे खेल में हो जिसमें सारे ही खेल में है भी और नहीं भी, क्योंकि ये सारे खेलों का मिश्रण है। इसे खेलते कैसे हैं? खेल में तीन पड़ाव है और हर पड़ाव तुम्हें खेल खत्म करने के करीब ले जाएगा। और खेल के अंत में क्या होगा? अगर तुम सारे पड़ाव पूरे करके स्वर्ण पदक पा लो तो यहाँ से निकल जाओगे। तुम्हारा खेल शुरू होता है अब। किसना, सुधी,
जाएगी। चुप हो, बोलो। आगे बढ़ो किस्ना, अपने हर एक दोस्त को छुड़ाओ और फिर पदक लेके दिखाओ। बस 5 मिनट है तुम्हारे पास। वहाँ पर एक सीढ़ी है, ये जरूर हमें आगे ले जाएगी। भागो! ये क्या है किस्ना? ये पदक का हिस्सा लग रहा है, शायद हर एक पड़ाव पार करने पर एक एक हिस्सा मिलता होगा। भी पार हो गया। किस्ना वो देखो। शुक्रिया। किस्ना वो देखो, बड़ा झूला है और लगता है इस झूले पर झूलकर यहाँ से उस मकाम पर जाना है। चलो बल्लू भैया। दोबारा कोई न फंसे इसलिए इसे तोड़ देना ही अच्छा है। प्रणाम गुरुजी। किस्ना, दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी, ध्यान लगाओ। Yeah!
और मन लगाकर सीखो कृष्णा। मुझे पता चला है कि दुर्जन इस बार पत्थरों की शक्ति का ही इस्तेमाल करने वाला है। गुरुजी, मैं तो बड़ी से बड़ी चट्टान को तोड़ने के लिए तैयार रहूंगा। कृष्णा को फंसाने के लिए पहले इस गुरु व्यास को रास्ते से हटाना होगा। अभी तक गुरुजी ने पूजा भी नहीं की है। गुरुजी पूजा के लिए रोज फूल लेने जंगल की तरफ जाते हैं। चलो वहाँ जाकर देखते हैं। ये तो कोई तहखाना लग रहा है। मुझे कृष्णा के लिए कोई निशानी छोड़नी होगी। पूजा करते हैं। कृष्णा, ये देखो गुरुजी की टोकरी। हाँ, फिर गुरुजी कहाँ है? अरे, ये तो गुरुजी की ही किताब का पन्ना है। गुरुजी की किताब का एक और पन्ना। और यहाँ पर भी एक है। कहीं गुरुजी किसी मुसीबत में तो नहीं? गुरुजी ने अपनी किताब के पन्ने इसीलिए फेंके हैं ताकि हम इन्हें ढूंढकर उन तक पहुँच सकें। चलो। गुरु व्यास, ये लो जन्मदिन का उपहार। तहखाने के बाहर पहरा दो, ध्यान रहे कोई भी अंदर न आने पाए। मैं तो थक गया। ये तो गुरुजी की ही किताब है। जरूर ये उन्होंने ही फाड़कर फेंकी होगी। नहीं बल्लू भैया, किसी ने गुरुजी से किताब छीनकर उसके टुकड़े कर दिए हैं। क्यों कृष्णा? क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम गुरुजी को ढूंढ पाए। तो क्या अब हम गुरुजी को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे? मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गुरुजी ने हमेशा हमें यही सीख दी है। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम गुरुजी को ढूंढ कर रहेंगे। शाबाश दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो मैदान के अलावा दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। कृष्णा, ये देखो गुरुजी की कलम। गुरुजी यहीं कहीं हैं। गुरुजी
को आसमान खा गया या जमीन निकल गई। बाप बल्लू भैया, ढूंढ लिया तुमने। गुरुजी जमीन के अंदर हैं और उनकी कलम हमें उन तक पहुंचाएगी। खबर लेता हूँ। क्या बात है कृष्णा? अभी दिखाता हूँ तुझे। आओ मेरी बारी। जरूर इस तहखाने में ही होंगे। चलो उन्हें ढूंढते हैं। चलो चलो। गुरुजी! कृष्णा! कृष्णा, मैं यहाँ हूँ। गुरुजी! भागने का समय आ गया। भाग लो। अब आनंद नगरी में आने वाला है भूचाल। आज आनंदी की सैर का असली मजा आएगा। आज प्यास जी हमें आनंदी की सीमा तक लेकर जाने वाले हैं। सब बच्चे आ गए? जी जी। सुनो, आनंद नगरी की सीमा समाप्त होने वाली है। नाव को वापस मोड़ना चाहिए। अब ये नाव वापस नहीं जाएगी, बल्कि काली नदी में आएगी। कमालम धमालम चमत्कारम त्रिकालम। बज गई घंटी, अब हमारी नाव उस खतरनाक काली नदी में जाकर डूब जाएगी। सुधी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्लू, मैंने सुना है काली नदी की तरफ गई कोई भी नाव वापस नहीं लौटती। नाविक काका, नाव को रोकने का कोई और तरीका है? नहीं बेटा। सब लोग नाव को कस के पकड़ लो।
बड़ी डरावनी जगह है। बच गई घंटी। त्रिकाल का असली कमाल तो अभी बाकी है। काली नदी के काले पानी से निकलेंगे मेरे जलासुर, जो कृष्णा और उसके साथियों को काली नदी में डुबो देंगे। कमालम थमालम चमत्कारम त्रिकालम। भयानक राक्षस। पानी के बने हुए राक्षस हैं, ये ऐसे नहीं खत्म होंगे। तो हम इनसे कैसे निपटे? एक उपाय है। कैसा उपाय कृष्णा? उसके लिए मुझे नदी में जाना होगा। जलासुरों को खत्म करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हम तो मामूली से मछलियाँ हैं, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हैं? एकता में बहुत ताकत होती है। हम सब मिलकर नदी में एक बड़ा सा भंवर बनाएंगे और जलासुरों को उसमें डुबो देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? अगर सच्चे मन से किया जाए तो कुछ भी संभव है। आओ मेरे साथ। चाहे तो किसी ज्योतिष से अपना भविष्य पूछ लो। क्या क्या भविष्य? मैं भविष्य देखकर कृष्णा को फंसाऊंगा और मुझे भविष्य देखने वाला गोला ला कर देगी मेरी मौसी।
मौसी मौसी जागो मैं त्रिकाल। कौन है? चूहा बना दूंगी अभी। मौसी मौसी मैं हूँ त्रिकाल। त्रिकाल क्यों उठाया मुझे बता? मौसी मुझे भविष्य दिखाने वाला गोला चाहिए। भविष्य दिखाने वाला गोला सम्मोहक जंगल में ही मिलेगा। उस जंगल में सिर्फ नेक और बहादुर बच्चा ही जा सकता है। किसना? और वो हमारी मदद भला क्यों करेगा? क्योंकि वो अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता है। मौसी तुम आनंद नगरी जाओ और किसना के दोस्तों को पकड़ लो। ये क्या मला है? कितनी डरावनी है ये। मैं हूँ त्रिकाल की मौसी चंद्रमुखी और मेरा बाल तुम सबको काट देगा दुखी। मेरे दोस्तों को छोड़ दो। अपने दोस्तों की सलामती चाहते हो तो जाओ और किसना को बुला कर लाओ। किसना किसना त्रिकाल की मौसी ने सुद्धि और राधिका को पकड़ लिया। क्या? चलो उन्हें बचाएं। हमारे दोस्तों को जल्दी से बाहर निकालो वरना। वही रख जाओ वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। क्या चाहती हो तुम? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुम्हें सम्मोहक जंगल से मेरे लिए भविष्य दिखने वाला गोला लाना होगा। मैं तुम्हें सिर्फ उस जंगल के सामने ले जा सकती हूँ। ठीक ऐसे। टोटो तुम यहीं रहो, हमारे दोस्तों पर नजर रखना। किसना वो रहा भविष्य दिखाने वाला गोला, मैं अभी लेकर आता हूँ। बल्लू भैया आगे खतरा हो सकता है। किसना ये तो खतरनाक दलदल है। किसना बचाओ मुझे। किसना तुम्हारा गोला, अब मेरे दोस्तों को छोड़ दो। किसना लाओ दो मुझे। ए भविष्य के गोले दिखा क्या है मेरे भविष्य में। ये क्या? किसना तो मेरा काल बनकर आया है। मैं इसे अभी खत्म कर देती हूँ। ये
छुप जाओ। पहले क्या ये कम खतरनाक थी जो और बड़ी हो गई? बच गई घंटी। ताकत इस जादुई छड़ी में है। राधिका, मैं इसे उलझाता हूँ, तुम गुलेल से इसके हाथ में निशाना लगाओ और टोटो तुम छड़ी लपकने के लिए तैयार रहो। बच्चे, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। अभी दिखाती हूँ। मैं किसना को तो क्या आनंद नगरी को ही कर दूंगा। किसना, वाह! मजा आया टोटो। चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। शुक्र है इनसे तो निपट लिया किसना। मगर हमें आगे जाना होगा बल्लू भैया। वो क्यों? वो इसलिए कि त्रिकाल ने जमीन के रास्ते से आनंद नगरी में आने की कोशिश की है। हमें वो रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। उस तरफ
देखो। ठीक है। को बचाने
अब दिखा अपनी ताकत महायोद्धा, ये ले दिखा ताकत, ये ले। महायोद्धा का किस्सा खत्म। महायोद्धा, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अब तेरी खैर नहीं। ए, इधर देख। तूफान की चाल, बिजली की रफ्तार और शेर का जिगर लेकर आना, उसके बाद महायोद्धा से टकराना। बहुत हो गई तेरी उछल कूद। कैसे हो सकता है? जा रहा है, कहीं इसकी कमजोरी वही तो नहीं? दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। शुक्रिया महायोद्धा। महायोद्धा। महायोद्धा।